आजकल हम देख रहे हैं कि यूरिक एसिड का पेन बहुत ज्यादा होता पहली बार के रखते हैं, अपने से उतरता, तो पैर भी नहीं रख पाते अठतीस साल की उम्र से लेकर आज तक पिछले पच्चीस साल से मैंने एक भी गोली नहीं खाई और मेरा यूरिक एसिड नॉर्मल रहता है कि पांच तरह के ऐसे मिस फूड हैं जो हमारी डाइट के अंदर जब हम शामिल होते हैं ज़्यादा मात्रा में तो फिर यूरिक एसिड बढ़ने की शिकायत आम बात हो जाती है चालीस साल तक इस शरीर के साथ जो भी करना है जो भी उल्टा उल्टा सीधा कर लीजिए लेकिन चालीस साल के बाद आपको इससे इसके रिजल्ट को भुगतना ही पड़ेगा आर्थराइटिस की बीमारी आएगी जोड़ों में दर्द रहेगा घुटनों में दर्द रहेगा हार्ट को दिक्कत हो सकती है किडनी को दिक्कत हो सकती है लीवर को दिक्कत हो सकती है हम ऐसे रास्ते पे जा ही क्यों रहे हैं कि वो हमारी बीमारी भी परमानेंट ठीक नहीं कर रही और हम साइड इफेक्ट्स को भी साथ साथ ले रहे हैं नमस्कार डी फाइव चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हम जुड़े हैं आचार्य मोहन गुप्ता जी और मिस पूजा बंसल जी के साथ में आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में नमस्कार थैंक यू वंदना जी थैंक यू जी आजकल हम देख रहे हैं कि यूरिक एसिड का पेन बहुत ज्यादा होता है तो आप हमें सबसे पहले ये बताएं कि यूरिक एसिड का पेन शरीर में कहाँ पर होता है और कितना होता है मतलब लोगों को कितनी तकलीफ होती है ये आप हमें बताएं देखिए वंदना जी यूरिक एसिड अगर एडवांस स्टेज में चली जाए तो एक बहुत पेनफुल बीमारी है क्योंकि यूरिक एसिड बढ़ने से हमारे पैर के अंगूठे के पास बहुत सीवियर पेन होता है स्वेलिंग आ जाती है रेडनेस आ जाती है और पेन इतना ज्यादा होता है कि कुछ लोगों में देखा जाता है है कि कि पेन इतना ज्यादा होता है कि लोग जब सुबह उठकर पहली बार फर्श के ऊपर पैर रखते हैं अपने बेड से उतरकर तो पेन इतना सिवियर होता है कि वो पैर भी नहीं रख पाते इतनी ज्यादा उनको पेन की प्रॉब्लम होती है इसके अलावा भी लोगों के जॉइंट्स में उंगलियों में अकड़न हो जाती है एठन हो जाती है स्वेलिंग आ जाती है जिसे गाउट कहते हैं तो वो भी यूरिक एसिड के पेन का कारण बनता है और यही नहीं यूरिक एसिड के और भी अलग अलग सिम्टम्स हैं जिनके चलते हम घर में ही रिकोगनाइज कर पाते हैं पहचान पाते हैं कि हमें यूरिक एसिड हमारी बॉडी में बढ़ा हुआ है जैसे अगर बार बार फ्रीक्वेंटली आपको यूटीआई हो रहा है यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन तो ये भी यूरिक एसिड का एक कारण हो सकता है हमारे जॉइंट्स में दर्द होना ये एक कारण हो सकता है और और तो और तो यूरिक एसिड बड़े होने की वजह से किडनी में स्टोन भी हो जाते हैं तो इस तरीके से अलग अलग सिम्टम्स के थ्रू हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हमारा यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है अगर इस हमारे व्यूअर्स इनमें से किसी भी सिम्टम को रेगुलर अपनी बॉडी में देख रहे हैं तो फिर आपको अपना यूरिक एसिड एक बार जरूर चेक कराना चाहिए आचार्य जी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि यूरिक एसिड बढ़ने के कारण क्या हो सकते हैं देखिए वंदना जी यो यूरिक एसिड है ये लाइफ स्टाइल डिजीज है तो बचपन में 10-15 साल की उम्र तक किसी को यूरिक एसिड आमतौर पे नहीं बढ़ता तो यूरिक एसिड जैसे जैसे हमारी एज 20-25-30 साल 35 साल 40 साल तक जाती है वैसे वैसे यूरिक एसिड बढ़ आमतौर पर पता चलता है कि यूरिक एसिड बढ़ने लग गया तो बढ़ कहाँ से रहा है यूरिक एसिड आ कहाँ से रहा है इसके नाम से ही पता चलता है यूरिक एसिड एसिड का मतलब एसिडिक डाइट हमारी डाइट के अंदर कुछ खाने वाले ऐसे पदार्थ हो सकते हैं जिनके अंदर एसिड की मात्रा ज्यादा है जिसके कारण यूरिक एसिड बढ़ जाता है हमारी डाइट के कुछ खाने वाले ऐसे पदार्थ हैं जिनके अंदर प्योरिन की मात्रा ज्यादा होती है तो प्योरिन ज्यादा होने से जब वो हमारे स्टमक में जाता है और मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस होता है और वहां पर जो ब्रेकडाउन होता है यूरिन का प्योरिन के ब्रेकडाउन होने से तो फिर प्योरिन जो है वो कन्वर्ट होता है यूरिक एसिड में तो फिर पता चलता है ब्लड की रिपोर्ट टेस्ट होने के बाद कि यूरिक एसिड बढ़ गया बेसिकली हमारी लाइफस्टाइल में हमारी डाइट के अंदर प्योरिन की मात्रा बढ़ जाने से यूरिक एसिड बढ़ता है आमतौर पर लोगों को नहीं पता होता है कि प्यूरिन किस चीज में है और किस में नहीं है तो हमें ऐसी कौन सी चीजें हैं जो नहीं खानी चाहिए जिनके कारण यूरिक एसिड बढ़ता है देखिए इसको हम ये कहते हैं कि पांच तरह के ऐसे मिस फूड हैं, जो हमारी डाइट के अंदर जब हम शामिल होते हैं ज्यादा मात्रा में तो फिर यूरिक एसिड बढ़ने की शिकायत आम बात हो जाती है सबसे पहले नंबर पे मैं रखूंगा नॉनवेज, वेज मीट अंडा मांस तो इन पदार्थों के अंदर एसिडिक है तो हाइली एसिडिक होने की वजह से इन पदार्थों का डाइट के अंदर होने से तो प्योरिन की मात्रा बढ़ जाती है दूसरे नंबर पे आ, मैं कहूंगा बीवरेजेस जैसे हमारे सॉफ्ट ड्रिंक हैं कोल्ड ड्रिंक है जितने भी ये प्रोसेस्ड पैक्ड ड्रिंक्स आते हैं जैसे ये फ्रूटी वगैरह आती है मार्केट के अंदर इन सब के इंग्रेडिएंट्स में भी कहीं ना कहीं जो छोटी छोटी कई चीजें होती हैं स्कॉर्बिकोईक एसिड एसिड, एसिड 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 लिखा रहता है तो उससे आगे आ जाता है हमारा अल्कोहल बिस्की बियर तो इन चीजों सार, सारी चीजों के अंदर अः प्योरिन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है तो हालांकि इसके अंदर डायरेक्ट प्योरिन नहीं होता लेकिन सेलुलस का प्रोसेस होने की कारण फिर वो प्योरिन में कन्वर्ट हो जाता है तो तीसरे नंबर पे है हमारा रिफाइंड फूड जिसमें सबसे पहला नंबर आता है मैदे का हमारी डाइट के अंदर पहले हमारे लाइफ के अंदर पिज्जा बर्गन बर्गर चौमिन तो इस तरीके के पदार्थ नूडल्स वगैरह जो हमारी डाइट के अंदर मैदे से बने हुए पदार्थ हैं इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा है जिन चीजों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा होता है तो हमारा ये उस स्पीड के साथ इंसुलिन रिलीज़ नहीं कर कर पाते जिस तरीके हमारा शुगर लेवल बढ़ता है ब्लड के अंदर तो इस तरह से ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होने की वजह से जो यूरिक एसिड है ये एग्रीवेट हो जाता है तो एग्रीवेट होने से ये एक कारण बनता है इसी के साथ साथ हमारा अगला पदार्थ आ जाता है बेकरी प्रोडक्ट्स तो बिस्किट चॉकलेट टॉफीज और बेकरी के जितने भी और पदार्थ हैं इन सब का डाइट के अंदर शामिल होने से जैसे वो मैदे वाला वो है कॉन्सेप्ट है।, है वो बेकरी प्रोडक्ट्स की वजह से भी हमारा यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो पांचवा जो हमारा फूड आता है दालें दालें हमारी डाइट के अंदर हम बहुत ज्यादा शामिल करते हैं कहते हैं दाल रोटी खाओ प्रभु के गाओ। वो जमाना गया आज के जमाने में तो सब्जी रोटी खाओ प्रभु के गाओ तो हमारी डाइट के अंदर दालें बहुत ज्यादा मात्रा में हैं हम मेहनत मजदूरी नहीं करते पहले के लोग मेहनत मजदूरी करते थे वो डाइट हाई प्रोटीन डाइट को दालों को डाइजेस्ट कर लेते थे आज के जमाने में मेहनत मजदूरी उतनी नहीं रही जब सारे मैकेनिकल वर्क आ गए कपड़े भी मशीनों से धोए जाते हैं हमारे घरों के अंदर तो दालें डाइजेस्ट नहीं हो लॉ ऑफ नेचर क्या कह, कहता है कि दालें डाइजेस्ट होंगी कैसे जब मानव पृथ्वी पे पहली बार आया था तो उन दिनों में मानव ने दाल तो खाई नहीं होगी क्योंकि आग का रसोई का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था उस तरीके की कोई खोज ही नहीं थी तो उसने क्या खाया होगा उसने दाल नहीं खाई। उसने, खाई उसने खाई बीन्स फलियां तो जितनी भी हमारी फलियां हैं वो जैसे कि लोबिया की फली ग्वार की फली सेम की फली हरा छोलिया मटर फ्रेंच बीन्स तो ये सारी हमें अपनी डाइट के अंदर लगभग 50-100 ग्राम जब भी सब्जी बनाएं उसमें डाल लीजिए जो चीज मौसम की मौसम हो उस मौसम की फली तो हम सुरक्षित रह सकते हैं अदरवाइज दालों के अंदर जो प्योरीन की मात्रा है वो बहुत ज्यादा है तो दालें खाएंगे तो इस तरीके से हमारा यूरिक एसिड बढ़ेगा ये पांच ऐसे मिस फूड हैं मुख्य रूप से वैसे तो और भी बहुत सारे हो सकते हैं जिनकी वजह से हमारी यूरिक एसिड बढ़ जाता है पूजा जी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि यूरिक एसिड को बढ़ने से रोकने के लिए यानी कि नॉर्मल करने के लिए हम क्या करें देखिए अभी तक हमने क्या समझा कि जो यूरिक एसिड है यूरिक एसिड का जो बढ़ना है वो एक लाइफ डिजीज है यानी कि गलत लाइफ की वजह से आ रहा है क्योंकि बचपन में तो था नहीं हालांकि आजकल तो यंगस्टर्स को भी आ रहा है पच्चीस तीस साल के बच्चों को भी यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो लेकिन आ रहा है गलत लाइफ की वजह से बारह साल के बच्चों को तो नहीं होता है यूरिक एसिड तो लाइफ ठीक करने के से ही इसको ठीक किया जा सकता है और वो भी 21 डेज के अंदर किया जा सकता है तो मैं आज आपको वंदना जी अपने व्यूअर्स को पांच ऐसे सुपर फूड बताना चाहती हूँ जैसे हमने पांच मिसफिट फूड बताए हैं कि जिनको हटाने से ये नॉर्मल हो जाएगा तो हमारे साथ चैलेंज क्या है जब भी हम कुछ हटाने की बात करते हैं ना तो ह्यूमन ब्रेन कहता है ये तो हमसे नहीं होगा तो हम आपको बात कर रहे हैं रिप्लेस करने की आपको रिप्लेस करना है को हटाना है और सुपर फूड को लेकर आना है तो मैं पांच ऐसे सुपर फूड आपको बता रही हूँ कि जिनको अपने डाइट में ऐड करने से आपका यूरिक एसिड लोगों का यूरिक एसिड बहुत जल्दी लगभग 21 दिनों के अंदर नॉर्मल हो जाएगा उसमें नंबर वन आता है पेठे जूस का क्योंकि यूरिक एसिड बढ़ रहा है, लेने की से। में बढ़ा हुआ है। तो एसिड को रिप्लेस करना पेठे के जूस से ज्यादा एल्केलाइन तो शायद इस, इस धरती के ऊपर कोई खाने पीने वाली चीज हो तो पेठे का जूस हाईली एल्केलाइन है इसका तो काम ही ये है कि ये जैसे ही आप इसको लेंगे ये हमारे ब्लड में से एसिड को इमप्योरिटीज को बाहर निकाल देता है तो डेली सुबह खाली पेट हमने एक गिलास पेठे का जूस लेना है और पेठा आजकल वेल नोन है सब लोग जानते ही हैं ये पेठा कुछ इस तरीके का दिखता है ऊपर से हरा होता है अंदर से सफेद होता है सीड्स होते हैं और इसको विंटर मेलन कच्चा पेठा इससे आगरे वाले पेठे की जो मिठाई आगरे में बहुत फेमस है वो इसी पेठे से बनती है मिठाई वालों के पास भी ये काफी अवेलेबल होता है तो इस पेटे का हमने एक गिलास जूस पीना है उसमें कोई नमक वगैरह ना डालें 25 परसेंट के लगभग पानी मिक्स करके और वो सुबह सुबह खाली पेट उठने से एक डेढ़ घंटे के अंदर अंदर वो जूस हमने पीना है हाँ अगर ये पेटे का जूस अभी राइट ना हो हमारे व्यूअर्स के पास अवेलेबल ना हो उसको तो कोकोनट वाट, 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 वाटर से रिप्लेस कर सकते हैं या फिर सीजनल वेजिटेबल जूस से भी रिप्लेस कर सकते हैं सीजनल वेजिटेबल में जैसे गर्मियों में तो अः घिया है और खीरा है देसी खीरा जो किबर होता है उसको ले सकते हैं और सर्दियों में स्पिनच अच्छा है और बथुआ है इनके अंदर टमाटर ऐड करके ये ले सकते हैं तो ये बहुत अच्छे सोर्स हैं बहुत अच्छे एल्केलाइन जूस हैं जो यूरिक एसिड को जल्दी नॉर्मल करते हैं ये था नंबर वन नंबर टू है बनाना स्टेम तो लोग बनाना के बारे में तो जानते हैं बनाना में हीमोग्लोबिन है ये तो जानते हैं बनाना खा ले ये तो जानते हैं लेकिन जो बनाना स्टेम मदर नेचर ने हमें दिया उसके बारे में जानते हैं ये बनाना स्टेम क्या है कि केले का जो पेड़ है उस उसपे जब एक बार बनाना लग जाए केला लग जाए पक जाए हट जाए फिर दोबारा उसके ऊपर बनाना केले नहीं लगते वो स्टेम का हमने जूस निकालना होता है और वो स्टेम कुछ ऐसा दिखता है देखिए कुछ ऐसा दिखता है तो इसके ऊपर आप देख रहे हैं ये लेयर्स लेयर्स है ये हम हटाएंगे तो अंदर से ये रॉड जैसी एक चीज निकलेगी इसका हमने दो चार ऐसे ऐसे आप हटाएंगे ना बड़ी आसानी से इस तरीके से देखिए ये लेयर्स हट जाती है ये लेयर्स जब आप हटाना शुरू करेंगे तो देखिए ये ये ट्यूबलाइट की रॉड जैसी ये चीज निकली ये आपने दो तीन इंच के लगभग लेना है इसको ग्रेट करना है और इसको स्क्वीज करके लगभग पचास से सौ एम जूस निकलेगा और उसको आपने पेठे के जूस में या नारियल पानी में या सीजनल वेजिटेबल जूस में मिला देना है तो ये जो बनाना स्टेम है ये यूरिक एसिड को तो नॉर्मल करता ही करता है इसके साथ साथ अगर किसी को किडनी स्टोन है गोलवाइडल स्टोन है डिप्रेशन है हीमोग्लोबिन की कमी है कोई बंदा जो रोज डिप्रेशन की दवाइयाँ खा रहा है उसके लिए ये बहुत ही बहुत ज्यादा हेल्पफुल है किसी भी तरह के किडनी स्टोन को निकालने के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के लिए हेल्पफुल है तो अल्टीमेटली ये यूरिक एसिड को भी ठीक करता है हमारा फूड नंबर तीन क्या है हमारा सुपर फूड नंबर तीन है जो मदर नेचर ने हमें अलग अलग बढ़िया बढ़िया फ्रूट्स हर मौसम में दिए हैं फल जो दिए हैं देखिए मदर नेचर हमारी कितनी परवाह करती है कि हमें हर मौसम में फ्रूट्स दिए उसने अलग अलग सर्दियों में ऐसे फ्रूट हैं जैसे संतरा है किन्नू है, है अमरूद है ये हमारे लिए अच्छे हैं और गर्मियों में जबकि हमारी बॉडी को ज्यादा पानी की जरूरत है तो मदर नेचर ने हमें जूसी फ्रूट्स दिए हैं गर्मी आते ही तरबूज आ जाता है खरबूजा आ जाता है लीची आ जाती है जामुन आ जाता है प्लम आ जाता है सारे रसीले फल हमें गर्मियों में मिलते हैं अब आजकल जैसे बारिशों का दिन है बारिशों के जो मौसम है इन दिनों में देखिए हमारे पास कितना जामुन अवेलेबल है नाशपाती है बब्बू गोशा है और प पपीता है अनार है ये सब फलों को जो भी मौसम का फल है हम प्लेट भर कर अगर डेली अपनी डाइट में इंक्लूड कर लें, रोज खाएं, और उसको इंडिविजुअल मील की तरह खाएं ऐसा नहीं कि खाना खा रहे हैं और उसके साथ थोड़ा सा फल खा लिया या अभी हमने ब्रेकफास्ट किया और एक घंटे के बाद हमने प्लेट पहले तो हमने अपना नॉर्मल ब्रेकफास्ट कर लिया और एक घंटे के बाद फ्रूट खा लिया नहीं बनती है वो बात वंदना जी तो इसको इंडिविजुअल मील की तरह जैसे अगर ब्रेकफास्ट सिर्फ फ्रूट्स का ही करें तो बहुत जल्दी हमारा यूरिक युद, एसिड नॉर्मल होगा नंबर चार है हमारी सैलेड सीजनल वेजिटेबल तो सब्जियां तो होती ही एल्केलाइन है कच्ची सब्जियां तो मौसम की ऐसी सब्जियां जो कच्ची ही खाई जा सकती हैं अगर हम पहले के लोगों को याद करें तो उनको ये डाइट चार्ट की तरह बताना नहीं पड़ता था कि आप ये खाओ वो खाओ खेतों में से डायरेक्ट सब्जी तोड़ी और खा ली इस तरीके से वो लोग हमेशा हेल्दी रहते थे तो वो वही हमने करना है तो हमने क्या करना है गर्मियों में हमने देसी खीरा लेना है ककड़ी लेनी है और सर्दियों में तो बहुत सारी है मूली गाजर शलगम फूल गोभी पत्ता गोभी जो भी मौसम की सब्जी हम कच्ची खा सकते हैं वो हमने लेनी है और तीन चीजें हम अपनी सैलेड में हर मौसम में इंक्लूड करते हैं एक तो है देसी टमाटर वो गर्मी में भी लेने हैं सर्दी में भी लेने हैं दूसरी है कच्चे नारियल की गिरी ये नारियल जिसके बिना हमारी पूजा पाठ पूरी नहीं होती नवरात्रों में और वैष्णो देवी पे प्रसाद भी इसी का रहता है ये नारियल जिसमें से ये वाली गिरी निकलती है ये हमने लगभग इतनी ही एक पर्सन के लिए ग्रेट करके अपने सैलेड में मिलाना है सैलेड का आपका जो भी कच्ची सब्जियां खानी है वो कच्ची सब्जियां कट करिए और देसी टमाटर को कट करिए कच्चे नारियल की गिरी को ग्रेट करिए उसमें धनिया मिलाइए पुदीना मिलाइए कड़ी पत्ता मिलाइए और उसका एक टेस्टी सा सैलेड तैयार हो जाएगा उसमें सॉल्ट चाट मसाला डालने की जरूरत नहीं है नहीं तो उसका न्यूट्रिशियस वैल्यू जो है वो डाउन हो जाएगा 5 -10 रह जाएगा रह अगर आप ऐसे सैलेड खाएंगे तो आपको हंड्रेड परसेंट फायदा होगा और आप अच्छे से सैलेड खाइए और इसको भी इंडिविजुअल मील की तरह खाइए अगर मैं आपको एक टाइम टेबल दू ताकि हमारे व्यूअर्स कंफ्यूज ना हो तो अगर आपने सुबह आठ बजे पेठे का जूस पिया तो दस बजे के आसपास आप फ्रूट्स खा लीजिए अच्छे से पेट भर के और बारह बजे के आसपास आप ये सैलड खा लीजिए और उसके बाद दो ढाई बजे आपका लंच जो भी आप लेना चाहते हैं वो चीजें आप ले लीजिए तो अभी तक मैंने आपको चार सुपर फूड बताए हैं वंदना जी पांचवा सुपर फूड ऐसा है जिसके बिना कोई रह भी नहीं सकता और किसी को मालूम भी नहीं कि ये सुपर फूड है तो वो क्या है वो है सन वेदिंग एयर वेदिंग अब देखिए ना अगर एक मिनट भी हवा ना मिले तो हमारा काम चल सकता है क्या हम रह सकते हैं क्या जो मैंने खाने पीने वाली चीज वो दो दिन ना मिले तो हम रह सकते हैं लेकिन हवा एक मिनट भी ना मिले तो हम नहीं रह सकते हैं सुबह सुबह जब सनलाइट आती है सूर्य उदय होते हैं उससे एक डेढ़ घंटे के अंदर अंदर अगर हमारे लिए पॉसिबल हो तो हम बॉडी पे से मैक्सिमम कपड़े हटा के अगर घर में ऐसा कोई आपके यहाँ प्रोविजन है लोगों हमारे व्यूअर्स के पास कि वो कपड़े हटा के अपनी बॉडी पे धूप लगा सकते हैं तो वो ऐसे धूप लगाए और जब शरीर हल्का गर्म हो जाए हल्का पसीना आ जाए आधे घंटे में पौने घंटे में बीस मिनट में तो धूप को छोड़ दीजिए पहले फ्रंट पे लगाएं फिर बैक पे लगाएं तो सन बेदिंग करने से होता क्या है कि हमारी बॉडी में से जो पसीना निकलता है उससे भी स्किन के थ्रू यूरिक एसिड काफी मात्रा में बाहर निकल जाता है और जब आप इस तरीके से सन बेदिंग करेंगे तो ऑब्वियसली आपकी एयरवेदिंग भी होगी हाँ अगर ये आपके पास प्रोविजन नहीं है कि कपड़े हटा के तो धूप कैसे लगाएंगे तो हम हम तो रहते ही अपार्टमेंट में धूप आती नहीं इतने छोट नीचे हम फ्लोर में रहते हैं तो फिर आप ऐसा कर सकते हैं आप छत पे पार्क में बैल्कनी में बिल्कुल ढीले ढाले हल्के रंग के कपड़े और कॉटन के कपड़े पहनकर आप धूप लगा लीजिए तो उससे भी आपको कुछ पार्शली सन बेदिंग का एयर बेदिंग का फायदा मिल जाएगा तो जब आपकी स्किन से पसीना निकलेगा तो यूरिक एसिड भी उसके साथ बाहर निकल जाएगा तो ये पांच ऐसे सुपर फूड मैंने आपको बताए हैं जिसको इंक्लूड करने से आपका यूरिक एसिड केवल केवल 21 दिनों में नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा हो जाएगा जी वंदना पूछा जी अभी आपने हमें ये तो बता दिया कि क्या चीज खानी पीनी चाहिए क्या चीज नहीं खानी पीनी चाहिए लेकिन क्या नेचुरोपैथी में ऐसा कुछ है जिसके जरिए यूरिक एसिड को नॉर्मल किया जा सकता है जी जी ये क्वेश्चन आपने बहुत ही बहुत अच्छा किया है क्योंकि आजकल अगर हम अपने व्यूअर्स से मैं क्वेश्चन करूं कि आप में से कौन कौन जल्दी से ठीक होना चाहता है तो हर कोई बोलेगा कि मैं जल्दी ठीक होना चाहता हूं सबको जल्दी है ठीक होने की तो जल्दी ठीक होने के लिए नेचुरोपैथी में दो तो बहुत अच्छे इम्पोर्टेंट ऐसे टूल हैं जो कि बिल्कुल नॉन वायलेंट है जिन, जिन यूज करने से बॉडी के साथ कोई हिंसा नहीं होती वायलेंस नहीं होती और ये बहुत जल्दी नॉर्मल होता है उनमें नंबर वन है वेट पैक लगाना तो जैसे अगर आप किसी भी नेचुरोपैथी हॉस्पिटल में जाए वंदना जी आपने देखा होगा कि वो लोग मिट्टी की पट्टी लगाते हैं ताकि पेट के ऊपर ताकि हमारे पेट को ठंडा किया जा सके तो हम वो काम कपड़े की पट्टी से आपको बताते हैं क्योंकि मिट्टी की पट्टी तो हम हर समय नेचुरोपैथी हॉस्पिटल में जा नहीं सकते और घर में लगा नहीं सकते मिट्टी की पट्टी तो वो काम ये कॉटन की पट्टी से हो जाता है तो जैसा मैं आपको कपड़ा दिखा रही हूँ ये हाथ की बुनी हुई खादी है ये इस तरीके का आप कॉटन कपड़ा ले लीजिए और इसको फोर फोल्ड करके आप जैसे मैंने अभी इसको फोर फोल्ड किया हुआ है अपने व्यूअर्स को दिखाने के लिए इसको पानी में डिप किया और स्टमक के चारों तरफ लपेट लिया कपड़े हटा के नेवल को सेंटर करके इसको हमने स्टमक से कमर तक पूरा अपना रोल कर लिया जैसे नहाने के बाद टावल लपेटते हैं और इस तरीके की एक पट्टी आप चाहें तो गले पे भी लगा सकते हैं अगर किसी को थारॉइड है टॉन्सल है गले में दर्द है और अगर कोई सिर में दर्द है टेंशन है डिप्रेशन है या फीवर है तो इस तरीके की पट्टी को ऐसे माथे पर भी रखा जा सकता है तो ये लगाने से भी यूरिक एसिड बहुत जल्दी नॉर्मल होता है क्यों ऐसा होता है क्योंकि इसको लगाने से हमारी बॉडी में स्टमक की तरफ ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है और अल्टीमेटली चाहे हमारा यूरिक कोई बीमारी है पेट ठीक नहीं है क्योंकि हमने गलत चीजें खा खा कर अपने स्टमक को डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्टर्ब कर लिया तो जैसे ही हम पेट की पट्टी लगाना शुरू करते हैं हमारी कॉन्स्टिपेशन ठीक होने लग जाती है इवन की किडनी स्टोन वालों का किडनी स्टोन तक भी निकल निकल जाता है इस पट्टी को लगाने से और यूरी भी कॉन्स्टिपेशन है। है तो को ठीक करने के लिए हम कर क्या रहे हैं हम नेगेटिव ले रहे हैं हम प्रगेटिव ले रहे हैं हम कोई गोलियां खा रहे हैं हम चूरण खा रहे हैं हम त्रिफला खा रहे हैं और रिजल्ट क्या हो रहा है जो दवाई पहले दिन शुरू हुई थी या एक साल पहले शुरू हुई थी उसकी डोज डबल हो चुकी है अब उसने काम करना बंद कर दिया उससे है उससे हैवी पहले एक चम्मच चूरण लेते थे अब दो चम्मच लेते हैं ऐसा करते करते देख क्या रहे हैं कि कॉन्स्टिपेशन तो फिक्स हो रही है मतलब ठीक नहीं हो रही है उल्टा और बढ़ती जा रही है तो उससे अच्छा क्या है कि हम ये नॉन वायलेंट एनिमा को इस्तेमाल करें

और वो जो आपको मोशन वहां पड़ा है उसको बाहर निकालेगा आपकी पूरी बॉडी को आपके पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को ये इफेक्ट नहीं करेगा और ये बिल्कुल हाइजीनिक है सेफ है इससे बिल्कुल भी कोई डरने की जरूरत नहीं है हम अपने सालों के एक्सपीरियंस से आपको ये बात बता रहे हैं आप इससे बिल्कुल ना डरें तो ये दूसरा एक इम्पॉर्टेंट टूल है जो आप इसको यूज करके अपने यूरिक एसिड को जल्दी से ठीक कर सकते हैं वरना जी एक और बात जो कि नेचुरोपैथी में भी बोली जाती है जो नेचुरोपैथी में भी कॉमन है आयुर्वेदा में भी कॉमन है और एलोपैथी में भी कॉमन है वो मैं जरूर बोलना चाहूंगी कि हम, हमें डेली एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए और एक्सरसाइज करने के लिए हम साइकिलिंग कर सकते हैं जैसे छह महीने का बच्चा करता है हम लेट कर कमर के बल लेट कर पांच मिनट दस मिनट जितनी देर भी हम कर सकते हैं हमें जोर जोर से छह महीने के बच्चे की तरह अच्छे से जोर जोर से मीन अच्छे से आराम से लेकिन Uh, कुछ देर तक जब तक हमारा श्वास ना फूले श्वास फूलने लग जाए तब तक हमें साइकिलिंग करनी चाहिए और हमें ब्रिस्क वॉक करना चाहिए जिससे हमारी बॉडी को पसीना आए ऐसी कुछ एक्सरसाइज हमें करनी चाहिए एक्सरसाइज करते करते कुछ श्वास फूले कुछ हमारी हार्ट बीट बढ़े वो हमें एक्सरसाइज नॉन वॉयेंटली करनी चाहिए जो कि हम खुली ताजी हवा में करें मैं जिम की बात नहीं कर रही हूँ मैं उन एक्सरसाइज की बात कर रही हूँ जो नॉन वायलेंटली हम पार्क में जाके करते हैं तो ऐसा कुछ अपनी डाइट अपने दिनचर्या में शामिल करने से हम यूरिक एसिड को बहुत जल्दी नॉर्मल कर सकते हैं अभी मैं आपसे वो सवाल करने जा रही हूँ जो हमारे दर्शकों ने हमारे पास में भेजे हैं और इन सवालों का जवाब मैं आपसे जरूर चाहूंगी हमारे दर्शकों ने सवाल भेजा है कि यूर, यूरिक एसिड क्या डेयरी प्रोडक्ट खाने से बढ़ता है कि हमें लगता है कि अगर आप जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट्स भी आजकल अच्छे नहीं है बढ़िया तरीके के नहीं मिल रहे हैं तो अगर हम डेयरी प्रोडक्ट्स को अवॉइड करते हैं तो यूरिक एसिड बहुत जल्दी ठीक होता है और हमें लगता है कि यूरिक एसिड डेरी प्रोडक्ट्स लेने से भी बढ़ता है क्योंकि वो डाइजेस्ट नहीं होते हैं तो अल्टीमेटली बॉडी में एसिड क्रिएट होता है एसिडिटी होती है और यूरिक एसिड बढ़ता है जैसा कि आपने बोला कि डेरी प्रोडक्ट्स नहीं लेने चाहिए लेकिन कई बार कहा जाता है कि दूध पीना अच्छा माना जाता है और दूध में हल्दी डाल के पीना भी अच्छा माना जाता है तो दही को लेना अच्छा नहीं माना जाता है। फिर ऐसा क्यों है जो आयुर्वेद है आयुर्वेद के अंदर ऐसी चीजें बताई जाती है कि दूध के अंदर हल्दी डाल के हम पी लें और लेकिन यूरिक एसिड की जब हम बात करते हैं नंबर जो आजकल हमें दूध उपलब्ध है वो प्योर दूध है ही नहीं दूध के अंदर कई तरह के एसिड हैं कास्टिक सोडे तक दूध को लंबी देर तक सुरक्षित रखने के लिए उसके अंदर मिलाया जाता है और भी बहुत सारे केमिकल मिलाए जाते हैं नंबर वन नंबर टू हमारे दूध डाइजेस्ट ही नहीं होता क्योंकि हम मेहनत मजदूरी में का काम नहीं करते कोई भी पदार्थ अच्छा भी होगा यदि वो डाइजेस्ट नहीं होगा तो वो एसिड बनेगा उससे एसिडिक होगा वो तो इसलिए यदि आप मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स और दही इन चीजों को बंद करा देंगे तो आप खुद देख पाएंगे कितने दिनों में ठीक हो जाता है देखिए अगर हम ये मिसफिट फूड्स को हटा दें वंदना जी अपनी डाइट से आज ही हटा दें और जो सुपर फूड बताए इनको हम इन्वॉल्व कर दें इनको हम ले आए अपनी डाइट में तो 21 दिनों के अंदर हमारा ऐसा एक्सपीरियंस है कि हमने देखा है लोगों के ऊपर कि 21 दिनों में उनका यूरिक एसिड नॉर्मल हो जाता है आमतौर पर यूरिक एसिड के केस उम्र में ज्यादा देखा जाता है हमने इसको पहले भी आंसर कर दिया है कि यूरिक एसिड जो है ये आमतौर पे 25 30 साल की उम्र पे बढ़ना शुरू होता है तो जैसे-जैसे हमारी एज बढ़ती है तो हमारा लाइफस्टाइल खराब होने की वजह से आजकल के बच्चों को तो 15-20 साल की उम्र में भी ऐसे ऐसे आने लग गए लेकिन ज्यादातर 25-30 के बाद शुरू होता है इसका बढ़ना क्या ये या पैतरक जिसे कि अनुवांशिक भी कहते हैं हो सकता है बिल्कुल <laughs> हो सकता है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है तो इसको हैराडिट्री कहा जाता है लेकिन हम नहीं मानते क्योंकि हम ऐसा बोलते हैं कि हेराडिट्री बीमारी नहीं रसोई है हमारी ईटिंग हैबिट्स है जैसा खाना दादी बनाती है ऐसा खाना उसकी बहू बनाती है यानी कि हमारी मम्मी और जैसा खाना हमारी मम्मी बनाती है वो वैसा खाना हमारी वाइफ आती है वो उसको बोलती है बेटा ऐसे ऐसे, ऐसे बनाओ तो वैसे वैसे वो बनाने लग जाती है क्योंकि मेजॉरिटी घर के अंदर दूसरे लोगों की होती है उसे अकेली को बात को मानना पड़ता है जैसा खाना हमारी वाइफ बनाती है फिर हमारी आगे डॉट इन लॉ आती है वैसा ही खा... हमारा किचन का लाइफ वही होता है कि ब्रेकफास्ट में ये बनेगा लंच में ये बनेगा डिनर में ये तो इसलिए बीमारी नहीं हमारी ईटिंग हैबिट्स है वंदना जी 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 आचार्य एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जब एक छोटी सी गोली यूरिक एसिड की आती है वो खा करके यूरिक एसिड को नॉर्मल किया जा सकता है तो फिर इतना सारा कुछ परहेज करने की क्या जरूरत है कि ये मत खाओ वो मत खाओ वो एक छोटी सी गोली खाई और यूरिक एसिड नॉर्मल ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है तो लेकिन ये बहुत जरूरी है आपने बहुत ही अच्छा किया है इसको पूछ के बहुत वैल्यू एड करेगा ये आपका क्वेश्चन हमारे विवर्स के लिए तो देखिए जो भीड़ है ना वो आसान रास्ता ढूंढती है अगर हम लिफ्ट में जाएंगे तो भीड़ मिलेगी और स्टेयर से जाएंगे तो कोई एक आदमी जा, मेरे जैसा बंदा मिलेगा तो हालांकि स्टेयर पे जाते हैं तो हेल्थ अच्छी रहती है लिफ्ट में जाते हैं तो हेल्थ अच्छी नहीं रहती है तो आसान रास्ता क्या है कि गोली खाओ काम पे जाओ और ये सारी चीजें ये खाओ ये ना खाओ ये मुश्किल रास्ता है लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं आपसे भी जानना चाहता हूं कि क्या यूरिक एसिड की अगर हम रोज गोली खाते रहे काम चलाते रहें तो फिर हमारी आगे की कंप्लीकेशन आएंगी या नहीं आएंगी और मैं आपको ये कहना चाहता हूं गोली यूरिक एसिड की गोली हमारी रिपोर्ट को नॉर्मल करती है बीमारी को नहीं जी बिल्कुल मैं आपकी, आपकी बिल्कुल मैं आपकी इस बात से जी बिल्कुल मैं आपके इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि बीमारी रिपोर्ट को रिपोर्ट जो है वो बीमारी को नॉर्मल दिखा जरूर देती है मगर बीमारी क्योर नहीं होती है यस तो इसका प्रमाण क्या है वंदना जी कि वो रिपोर्ट नॉर्मल होती है बीमारी नहीं जी जी बिल्कुल मैं सहमत हूँ आपकी इस बात से क्योंकि जब भी हम गोली खाते हैं तो वो बीमारी कुछ टाइम के लिए हट रहती है जब हम दवाई खाना बंद कर देते हैं तो यूरिक एसिड फिर बड़ा हुआ दिखता है मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अठती वर्ष तक मेरे को नहीं पता था कि नेचुरोपैथी क्या होती है और मेरी मेरा लगभग 22 की एज में यूरिक एसिड बढ़ना शुरू हो गया था 22 साल से लेकर 38 साल की उम्र तक मैंने यूरिक एसिड की गोली रोज खाई है और बीच बीच में मैं रोज की गोली खाने से परेशान हो जाता था तो मैंने गोली खानी बंद कर दी तो मैं देखता था कि मेरा यूरिक एसिड फिर बढ़ गया 38 साल की उम्र के बाद मेरे गुरुदेव जी मेरे को मिले और उसके बाद मैंने नेचुरोपैथी को फॉलो करना शुरू किया 38 साल की उम्र से लेकर आज तक पिछले 25 साल से मैंने एक भी गोली नहीं खाई और मेरा यूरिक एसिड नॉर्मल रहता है तो इसलिए आप शॉर्टकट रास्ते की तरफ मत जाए यदि हम ऐसा करेंगे तो आर्थराइटिस से बच नहीं सकते इस बात को नोट कर लो घुटने बदलवाने पड़ेंगे बड़ी उम्र में इस शरीर की वारंटी 40 साल तक की है 40 साल तक इस शरीर के साथ जो भी करना है जो भी उल्ट, उल्टा सीधा कर लीजिए लेकिन 40 साल के बाद आपको इससे इसके रिजल्ट को भुगतना ही पड़ेगा आर्थराइटिस की बीमारी आएगी जोड़ों में दर्द रहेगा घुटनों में दर्द रहेगा हार्ट को दिक्कत हो सकती है किडनी को दिक्कत हो सकती है लीवर को दिक्कत हो सकती है और दूसरी सबसे जरूरी बात दुनिया के अंदर ऐसी क्या कोई दवाई है जिसके कोई साइड इफेक्ट्स ना हो आप अपने डॉक्टर से पूछ लीजिए कि यूरिक एसिड की ये जो गोली है इसके कोई साइड इफेक्ट्स हैं या नहीं आप गूगल पे चेक कर लीजिए तो हम ऐसे रास्ते पे जा ही क्यों रहे हैं कि वो हमारी बीमारी भी परमानेंट ठीक नहीं कर रही और हम साइड इफेक्ट्स को भी साथ साथ ले रहे हैं न्यूटन का लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट है कि जब तक हम कारण को दूर नहीं करेंगे तब तक प्रभाव दूर नहीं होगा इसलिए कारण को दूर करो और लाइफ टाइम के लिए जूरी एसिड को नॉर्मल रखो आने वाले खतरों से बचो आने वाली बीमारियों से बचो जी बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा कि यूरिक एसिड को अगर आपने खत्म करना है तो आपको आपने जो भी सारी बातें बताई इनको फॉलो करना बहुत जरूरी होगा हमारे दर्शक इससे जरूर लाभ उठाएंगे हमें पूरी उम्मीद है और कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन भी लिख करके भेजेंगे अगर कोई है तो अगर आपसे सीधा संपर्क करना हो तो हमारे दर्शक किन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं जी तो हमारे व्यूअर्स का वेलकम है हमसे बात करने के लिए आप हमारे फ्री हेल्थ केयर नंबर नाइन एट सेवन जीरो टू नाइन वन सिक्स थ्री फाइव पे किसी भी टाइम किसी भी दिन ट्वेंटी फोर इंटू सेवन हमारी ये सर्विस अवेलेबल है आप इस पर बात कर सकते हैं मैं नंबर रिपीट कर देती हूँ नाइन एट सेवन जीरो टू नाइन वन सिक्स थ्री फाइव आचार्य जी और पूजा जी आप हमसे जुड़े आपका बहुत बहुत धन्यवाद वंदना जी मैं आपको भी बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूंगा कि इसके माध्यम से आप पब्लिक को अवेयर कर रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं धन्यवाद अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए नमस्कार